अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। निजी अस्पताल से अदाकारा नरगिस का मेडिकल करवा लिया गया है और चेयरपर्सन पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने नरगिस से मुलाकात करके मुकम्मल तआवुन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। अदाकारा नरगिस जिन पर तशद्दुद किया गया है उनके शौहर की जानिब से निजी अस्पताल से अदाकारा नरगिस का मेडिकल करवा लिया गया है। चेयरपर्सन पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने नरगिस से मुलाकात करके मुकम्मल तआवुन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। उन्हें आपको बताते चलें कि अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद किया गया उनके शौहर की जानिब से और अब निजी अस्पताल से अदाकारा नरगिस का मेडिकल भी करवा लिया गया है, जबकि चेयरपर्सन पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने उनसे मुलाकात की है और मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि आपको मुकम्मल तआवुन फराहम किया जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं कि किस बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है अदाकारा नरगिस को उनके शौहर की जानिब से। निजी अस्पताल से उनका मेडिकल भी अब करवा लिया गया है, जबकि चेयरपर्सन पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने उनसे मुलाकात करके उनको मुकम्मल तआवुन फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई है। आतिफ मलिक से हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आतिफ बताइएगा, ये एक तरफ बताया जा रहा है कि अदाकारा नरगिस के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है, दूसरी जानिब अब मेडिकल भी हो चुका है इनका। जी बिल्कुल जी, अदाकारा नरगिस तो तशद्दुद का मामला है, इसका मुकदमा सारा डिफेंस सी में दर्ज कर दिया गया है। मुकदमे में 506B और 354 की दफात के जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। चेयरपर्सन जो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन है हिना परवेज भट्ट, उन्होंने भी नरगिस से मुलाकात की है और नरगिस के साथ एक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको भी अटैच कर दिया गया है और प्रोटेक्शन ऑर्डर और कानूनी मदद फराहम करने की हर मुमकिन तआवुन की भी उनको यकीन दहानी दिलवाई है। साथ साथ ये भी कहा है कि जो खवातीन है उनको जो घरेलू तशद्दुद एक संगीन जुर्म है जिस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई भी खातून हो, कोई भी हो, वुमन हो, वो जीरो टॉलरेंस है इस पे। और वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहब है उनका भी हुक्म है कि खवातीन पर जो तशद्दुद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SP कैंट से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि माजिद बशीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माजिद बशीर जो है सबक इंस्पेक्टर है और CIA से वो डिसमिस्ड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आतिफ।